हेलो दोस्तों, मिथिला में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी को दिखाया था ललित ग्राम बाईपास का अपडेट, जो कि बन रहा है ललित ग्राम रेलवे स्टेशन के पास। उस पर जो है काफ़ी तेज़ी से जो है काम किया जा रहा है। उस पर जो है काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि एक बार जो है सरायगढ़ जंक्शन के पास जो है नया बाईपास बन रहा है, उसका भी अपडेट दीजिए, जो सरायगढ़ का बाईपास है। तो आइए, आप सभी के लिए मैं आज की वीडियो में लेकर आ चुका हूँ सरायगढ़ के इस बाईपास का अपडेट, जो कि बन रहा है बैजनाथपुर अंदौली हॉल्ट से थोड़ा सा आगे। अभी आपसे दोस्तों कि हमारा ट्रेन जो है ये बैजनाथ अंदौली हॉल्ट के पास है, और जैसे कि यहाँ से हमारा ट्रेन आगे बढ़ेगा तो आप सभी को जो है बाईपास का जो है स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी जो है बाईपास का जो है काम करीब जो है एक महीने पहले जो है शुरू किया गया है। यहाँ का जो है ये बाईपास का लाइन जो है बैजनाथपुर अंदौली से आगे से कट कर जो है आगे जाकर जो है सरायगढ़ से लेकर आसनपुर कुपहा के बीच जो है जुड़ेगा जाकर, जो कि कोसी महासेतु से काफ़ी जो है पहले ही जुड़ने वाला है। तो इस टाइप से जो है ये बाईपास बनेगा, जिससे कि अगर किसी भी ट्रेन को सहरसा से दरभंगा जाना है तो उसको जो है सरायगढ़ में जाकर रिवर्सल नहीं लेना पड़ेगा। अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन आता है और अगर उसको जो है सहरसा से लेकर दरभंगा की तरफ जाना है तो उसको जो है सरायगढ़ जंक्शन पे आकर जो है इंजन रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है समय का बचत होगा। वो ट्रेन जो है डायरेक्ट इस बाईपास के थ्रू जो है आसनपुर कुफा होकर जो है निकल जाएगी, उसको जो है सरायगढ़ जाने का जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का जो है कुछ ये फ़ायदा होने वाला है ये बाईपास के बन जाने से। अभी आप सभी को मैं आगे चल के दिखाता हूँ, जैसे जैसे ट्रेन हमारा बढ़ रहा है आगे आप सभी को जो है पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। इधर देख सकते हो कि ये जहाँ जो है मिट्टी ले जाया जाता है अभी बाईपास के काम के लिए आगे की तरफ, देखिए यहाँ पे जो है यहीं से जो है ट्रैक्टर सब जो है और ट्रक सब जो है जाते हैं आगे, क्योंकि आगे जो है बहुत मिट्टी जो है भरा जा रहा है बाईपास के लिए। अभी हम जैसे ही स्टेशन से जो है थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आप सभी को जो है वो दिखेगा, तो मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ जैसे वो आ रहा है। तब तक देखिए कि यहाँ पर जो है ये बैजनाथपुर अंदौली हॉल्ट के जो है आगे का व्यू है। अगर बात करें ललित ग्राम बाईपास का तो वहाँ का भी जो है काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। पिछले वीडियो में अगर आप सभी ने अब तक नहीं देखा है तो जाके देखिए कि वहाँ पर जो है स्लीपर सब भी आ चुके हैं और बहुत जल्द जो है स्लीपर सब भी जो है बिछने वाला है। अभी दोस्तों देखिए जैसे कि हमारा जो है ट्रेन आगे बढ़ा है, वहाँ से दिख रहा होगा कि बाईपास का जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा कि किस टाइप से जो है बाईपास घूम रहा है। जैसे तो आप लोग वहाँ पर अभी मैं कैमरा थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप सभी को। बहुत जल्द जैसे ही आगे काम होगा तो उसके पास जाकर भी आप सभी को जो है अपडेट दूंगा। अभी तो फिलहाल मिट्टी भरना शुरू हो चुका है, इसीलिए जो है आप सभी को जो है थोड़ा ये ट्रेन के माध्यम से जो है व्यू दिया जाए। तो देखिए वहाँ पर जो है उस टाइप का जो है कुछ व्यू है। अब इसके आगे जो है चांद टिप्पर पड़ता है और फिर जो है सरायगढ़ जंक्शन। तो सरायगढ़ से जो है थोड़ा पहले ही जो है यहाँ पर कर लिया गया है बाईपास का काम शुरू। तो दोस्तों इस टाइप का था कुछ ये सरायगढ़ जंक्शन के नए बाईपास का अपडेट। आप सभी को कैसा लगा हमारा ये वीडियो? काफ़ी छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। जैसे जैसे काम आगे होगा आप सभी को जो है आगे भी और अपडेट दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारे एक और नए वीडियो पर एक और नए अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।